कोटड़ी नेत्र शिविर में 376 रोगियों की जांच कर 186 भर्ती किया गया। लॉयंस आई हॉस्पिटल भीलवाड़ा द्वारा जिला अंधता निवारण समिति के तत्वाधान में चारभुजा युवा संस्थान कोटड़ी के सहयोग से कोटड़ी में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। हॉस्पिटल कोऑर्डिनेटर एवं आई बैंक प्रभारी लान राकेश पगारिया ने बताया कि कोटड़ी में 376 रोगियों की जांच कर 186 मोतियाबिंद के रोगियों को भीलवाड़ा लायंस आई हॉस्पिटल में लेंस प्रत्यारोपण हेतु लेकर आए व सभी का सफल ऑपरेशन किया गया। शिविर प्रभारी राजेंद्र काबरा ने बताया कि डॉक्टर संजीव शर्मा व चंद्रदेव आर्य ने शिविर का अवलोकन कर जनहित में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करी। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष दादूलाल तेली ने शिविर में की जा रही सेवाओं से प्रसन्न होते हुए सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए सभी रोगियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। नगर परिषद एसी सूर्य प्रकाश संचेती ने कहा कि लायंस आई हॉस्पिटल संस्था द्वारा किए जा रहे नेत्र ज्योति सेवा कार्य पर सभी सदस्यों को साधुवाद दिया। सभी रोगियों को निःशुल्क आना जाना, भोजन, लेंस, चश्मा व दवाएं प्रदान की गई। कार्यक्रम में लान अब्बास अली बोहरा, आरपी बल्दवा, सुरेंद्र जैन, ललित सांखला व लान सदस्य उपस्थित थे। हॉस्पिटल के डॉक्टर अंकित मोदी, पिंकी सिंधी, नीलोफर अंसारी, सौरभ शर्मा, कृष्णा बारहट आदि का सहयोग रहा। कोटड़ी चारभुजा क्षेत्र में आज जो आप यहां पर विराजमान हैं, जिनके ऑपरेशन हुए हैं, उन सबको जिनका सहयोग मिला है और लंबे समय से सेवाएं कर रहे हैं, वो भी काबरा साहब, मैं सभी सम्मानित मंच पर विराजमान पदाधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है और लंबे समय से करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं आपको बताऊं कि हमारा लायंस क्लब का और जो भी सेवा संगठन, उनका मेन उद्देश्य यही है कि जरूरतमंद लोगों को सेवाएं प्रदान करें। आप यहां पर आए हैं, आपको किसी को भी कोई परेशानी हुई हो तो हमें बताएं। आप देखो कि आपको जब आंखों पे जाला आ गया था तो दिखने में कुछ कमी महसूस हुई आपको। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने जन्म के बाद में दुनिया देखी नहीं है, अंधे हैं जन्म से, उन्होंने उनकी माँ बाप की शक्ल भी नहीं देखी है। आप लोगों को ये कहना है, 100 बरस सबके पूरे होने हैं, आपके भी होंगे, मेरे भी होंगे, तो मरने के बाद में आंखें दान करें, ऐसी भावना रखें, आजकल आंख ही निकलते हैं।